आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे ऑटो वाले बहुत सारे साथी आए हुए हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, दो साल पहले आप लोगों ने हमें भारी बहुमत देके जिताया था, 70 में से 67 सीट दी थी। इतना भारी बहुमत, भारत तो छोड़ो, पूरी दुनिया में आज तक किसी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली, पूरी दुनिया का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आपने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिया, कई बार डर लगा करता था कि लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पता नहीं पूरी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। रोज सवेरे उठ के भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन करना, लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। आज दो साल के बाद आपके सामने खड़ा हूं और मेरे को कहने में बड़ा फक्र हो रहा है कि दो साल के अंदर रात दिन 24 घंटे अपने इन सभी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, आप लोगों के साथ मिलके पूरी ईमानदारी के साथ इतना काम किया, इतना काम किया। मैं चैलेंज करता हूं दूसरी पार्टियों के 15 साल, हमारे 2 साल, हमने 2 साल में इतना काम कर दिया जितनी दूसरी पार्टियां 15 साल में नहीं कर पाती। और आप मुकाबला चल कंपेयर करके देख लो जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 15 साल से मुख्यमंत्री है, रमन सिंह बीजेपी के 10 साल से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है, उनके 15 साल ले लो, मेरे 2 साल ले लो, 2 साल के अंदर इतना काम करके दिखाया है जितना उन्होंने 15 साल के अंदर नहीं किया होगा। और बाहर जाने की क्या जरूरत है, अपने दिल्ली में ही ले लो, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी वालों की 10 साल से सरकार है बीजेपी की, आपको पता है। 10 साल में मैं चैलेंज करता हूं, यहां इतने सारे लोग हैं, 10 साल में बीजेपी वालों ने एक अच्छा काम दिल्ली में कराओ, एक काम 10 साल में बीजेपी ने एक अच्छा काम कराओ मेरे को बता देना। और दिल्ली सरकार ने 2 साल में इतने काम करे हैं, मैं सारे काम गिनाऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। आपके सामने 3-4 इतनी बड़ी बड़ी बातें रख रहा हूं, ऐसे काम करें जिससे पूरी दिल्ली के हर आदमी की जिंदगी पर असर पड़ा है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी भाई साहब, सबसे महंगी बिजली। आज मेरे को 2 साल के बाद कहने में बड़ी खुशी है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मेरे दिल्ली वालों को मिल रही है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। और मैं आपको आंकड़े देके बताऊंगा, दिल्ली में आप अगर 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो अपने घर में, आपका बिजली का बिल आता है 1370 रुपए। और अगर आप गुजरात में रहते हो, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में अगर आप रहते हो और 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आएगा 2700 रुपए। बंबई में बीजेपी की सरकार है, बंबई में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आएगा 4000 रुपए। बंगलोर में कांग्रेस की सरकार है, बंगलोर में 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आएगा 2700 रुपए। और दिल्ली में कितना आएगा, 1370 रुपए। सबसे सस्ती बिजली आप लोगों को मिल रही है पूरे देश के अंदर, सबसे सस्ती बिजली। और ये मेरे लिए आसान नहीं था जी, ये बिजली कंपनियां बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े बड़े मालिक हैं इनके, इनसे खूब लड़ना पड़ा मेरे को बिजली कंपनियों से। शीला दीक्षित का टाइम याद करो, शीला दीक्षित के टाइम में हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, 10 साल से हर साल बिजली के रेट बढ़ रहे थे, पिछले 2 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए दिल्ली के अंदर, बिजली के रेट एक पैसा नहीं। और जब से मैंने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम करे हैं, पूरे देश की सारी बिजली कंपनियां मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं, सारी इकट्ठी हो गई है बिजली कंपनियां। क्यों?
गुजरात के अंदर अब लोग आंदोलन कर रहे हैं, गुजरात के लोग कह रहे हैं जी दिल्ली वालों को सस्ती बिजली मिल सकती है, गुजरात वालों को क्यों नहीं मिल सकती? तो गुजरात की बिजली कंपनियां अपने रेट नहीं बढ़ा पा रही, गुजरात की बिजली कंपनियां मेरे से बहुत नाराज हैं, बंबई की बिजली कंपनियां मेरे से बहुत नाराज हैं, बंगलोर की, कर्नाटका की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, देश की सारी बिजली कंपनियां इकट्ठी हो गई हैं और ये सारी बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी बीजेपी के पास गई हैं। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आज आपको ये समझ के जाना पड़ेगा। इन्होंने षड्यंत्र रचा है एमसीडी में किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को हराओ, बीजेपी या कांग्रेस जीत गई तो एमसीडी चुनाव के बाद बिजली और पानी का डिपार्टमेंट मेयर से छीन के एमसीडी को दे देंगे और एमसीडी के जरिए बिजली और पानी के रेट बढ़ाएंगे दिल्ली के अंदर। आप पूछोगे ऐसा हो सकता है? हो सकता है। 1998 के पहले ऐसे ही होता था, 1998 के पहले बिजली और पानी का डिपार्टमेंट एमसीडी के पास था, दिल्ली सरकार के पास नहीं था। 1998 में बिजली और पानी का डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को दिया गया, पिछले 20 साल से दिल्ली सरकार के पास है, तभी मैंने आपके बिजली और पानी के रेट कम करे हैं। अब अगर एमसीडी में कांग्रेस या बीजेपी जीत गई तो ये बिजली और पानी के डिपार्टमेंट मेरे से छीन के एमसीडी को दे देंगे और उनको रेट बढ़ा देंगे। चाबी आपके पास है जी, समाधान आपके पास है। जैसे आपने दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट दी थी, एमसीडी के चुनाव में भी 272 की 272 सीट दे दो, फिर चाहिए बिजली पानी का डिपार्टमेंट एमसीडी में रखे चाहे दिल्ली सरकार में रखे, मैं इनको बिजली पानी के रेट नहीं बढ़ाने दूंगा। जब तक मैं हूं मैं तब तक नहीं बढ़ाने दूंगा। और पिछले कुछ दिन से आप देख रहे होंगे ये सारे जने बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े हैं जी। मनीष सिसोदिया आपका शिक्षा मंत्री पागल आदमी है, एक नंबर का, सवेर से शाम तक सरकारी स्कूलों में घूमता रहता है। बताओ कोई मंत्री बनने के बाद भी इतनी मेहनत करता है? सवेरे से शाम तक सरकारी स्कूलों में घूमता रहता है। एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया अपनी दिल्ली में काम कर रहा है। ये जितने बड़े बड़े स्कूल हैं डोनेशन लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं लाखों करोड़ों की डोनेशन लेते हैं, पैसे खाते हैं, ये किसके स्कूल हैं, ये किसके कॉलेज हैं? बड़े बड़े नेताओं के, बीजेपी के, कांग्रेस के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पैसे वालों के स्कूल कॉलेज है जी। दो साल से मनीष सिसोदिया ने उनको फीस नहीं बढ़ाने दी। पहले ये लूटा करते थे, डेवलपमेंट चार्ज, पिकनिक चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज, धिमका चार्ज, हर साल अपनी फीस बढ़ाया करते थे। जिन जिन स्कूल वालों को दिल्ली सरकार से जमीन मिली हुई है किसी भी स्कूल को दो साल से मनीष सिसोदिया ने फीस नहीं बढ़ाने दी। ये सारे के सारे नाराज हैं भाई साहब। एक तरफ इनको फीस नहीं बढ़ाने दी और जिन स्कूल वालों ने फीस बढ़ाई, ऑर्डर पास करके फीस कम करवाई, पैसे वापस करवाए, बच्चों के पेरेंट्स को पैसे रिफंड करवाए। और जितने सरकारी स्कूल थे, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है भाई साहब। अभी जैसे विधायक जी ने बताया यहां पे 9 सरकारी स्कूल बन रहे हैं, 9 नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं और कई नए सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सुना था जी सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनते हैं? अब हमारे गरीबों के बच्चे भी स्विमिंग पूल वाले सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो मनीष सिसोदिया ने एक तरफ सरकारी स्कूल अच्छे करे ताकि लोग अपने बच्चों को वहां पे भर्ती करा सकें और इन प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करा जिनके बड़े बड़े मालिक हैं, बड़े बड़े नेता हैं। तो इसने बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए मनीष सिसोदिया ने। ये भी सारे दौड़े दौड़े बीजेपी के पास गए और बीजेपी ने क्या करा, 3 केस ठोक दिया मनीष सिसोदिया पे। सीबीआई ने 3 केस कर दिया मनीष सिसोदिया पे। बताओ क्या कसूर है मनीष का? उसका एक ही कसूर है, उसने आपके बच्चों के लिए सपना देखा है। उसने कसम खाई है कि चाहे अमीरों के बच्चे हो चाहे गरीबों के बच्चे हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे। आपके बच्चों के लिए 24 घंटे काम कर रहा मनीष सिसोदिया, उसके ऊपर 3 केस ठोक दिए इन लोगों ने। और मेरे को पता चला है
हफ्ते 10 दिन में इसको गिरफ्तार करने वाले हैं मनीष को। उसी तरह से सतेंद्र जैन हमारा स्वास्थ्य मंत्री, पिछले 2 साल के अंदर उसने पूरी दिल्ली में इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब डिस्पेंसरी, आप में से कुछ लोग गए होंगे, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी बनाई है भाई साहब गरीबों के लिए। उसमें सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सारा इलाज मुफ्त है, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी। 160 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस साल दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएंगे। आपकी विधानसभा में भी 20 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, और अभी एक स्कीम निकाली है, जब भी आप किसी दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाओगे, डॉक्टर कहता है जी MRI कराना पड़ेगा, पैक टेस्ट कराना पड़ेगा, आप कहते हो जी कर दो, डॉक्टर 6 महीने बाद की डेट देता, कहता है बड़ी लंबी लाइन है, 6 महीने में तो मरीज नहीं बचेगा। अब हमने स्कीम निकाली है, आप अगर दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है टेस्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर को उसी टाइम टेस्ट करना पड़ेगा, अगर उसी टाइम टेस्ट नहीं करेगा डॉक्टर तो आप बाहर आके प्राइवेट अस्पताल में करा लेना, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। अच्छी स्कीम है कि नहीं, हाथ खड़े करके बताओ जरा से। एक और स्कीम निकाली है, जी आप अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप कहते हो कर दो, डॉक्टर 2 साल बाद की डेट देता है, 2 साल बाद में तो मरीज ही नहीं बचेगा। अब हमने स्कीम निकाली है, 1 महीने में डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 महीने में अगर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, आप बाहर आके प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लेना, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। तो बताओ सतेंद्र जैन का क्या कसूर है? दिल्ली के अंदर दवाइयों का माफिया चल रहा था, बहुत बड़ा माफिया चल रहा था दवाइयों का, फर्जी बिल लगाया करते थे अस्पतालों में, आधा खुद खाते थे आधा उनको देते थे। सतेंद्र जैन ने यह माफिया तोड़ दिया। अब सतेंद्र जैन के ऊपर उन्होंने 4 CBI के केस ठोक दिए भाई साहब, आप TV में देखते होगे रोज, कह रहे हैं सतेंद्र जैन ने 2007 में जमीन खरीदी थी। सतेंद्र जैन बहुत अमीर परिवार से आता है जी, पहले से उनका परिवार अमीर है, 2007 में उसने जमीन खरीदी थी। अरे बेशर्मा तुमको अभी याद आई जब उसने दवाइयों का माफिया तोड़ दिया, जब उसने सारे गरीबों की दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, अब तुमको 2007 की उसकी 2008 की जमीन याद आ रही है, तुम्हारी नीयत खराब है। मेरे ऊपर इन्होंने CBI की रेड करा दी पिछले साल, पूरे देश में इनको मैं ही भ्रष्टाचारी मिला। 2 दिन तक CBI वाले मेरे घर पे मेरे दफ्तर में रेड मारते रहे, कुछ तो मिले। 4 मफलर मिले भाई साहब, रेड का खर्चा भी नहीं निकला इनका CBI वाले का। इनका रेड का खर्चा भी नहीं मिला, ये जानबूझ के हमारे पीछे पड़े हैं भाई साहब। पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली में टैंकर माफिया खत्म कर दिया, ठेकेदारों का माफिया खत्म कर दिया, शिक्षा का माफिया खत्म कर दिया, दवाइयों का माफिया खत्म कर दिया, ये बिजली कंपनियों का माफिया खत्म कर दिया। ये लोग हमको तोड़ना चाहते हैं, इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से ये लड़के टूट जाए, लेकिन इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम टूट नहीं रहे इनसे। अभी हमारा दफ्तर छीन लिया इन्होंने 4 दिन पहले। आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, 67 सीट है हमारी, कानून में लिखा है कि रूलिंग पार्टी को दिल्ली सरकार की तरफ से एक दफ्तर दिया जाएगा, वो दफ्तर पे ताला लगा दिया इन BJP वालों ने। कांग्रेस की 0 सीट है दिल्ली में, आपने 0 सीट दी थी कांग्रेस को, 4 दफ्तर दे रखे हैं, 4 बंगले दे रखे हैं दफ्तर के लिए। BJP की 3 सीट है, BJP ने 7 बंगले ले रखे हैं दफ्तर के लिए। हमारी 67 सीट है,
हमारे पास एक दफ्तर था, उस पर ताला लगा, लेकिन मैंने भी कहा, मैंने कहा हम यहाँ दफ्तर लेने थोड़ी आए थे, हम तो यहाँ काम करने आए थे, तुम मेरे सारे दफ्तर पे ताला लगा दो, मेरे घर पे ताला लगा दो, सड़क पे टेबल चेयर लगा के काम कर लूंगा मैं जनता के। अभी एमसीडी के चुनाव है जी, एमसीडी के चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। एक चीज का बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, दिल्ली में किसी कोने में चले जाओ, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है ये कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं गली में गया, एक अम्मा मिली, अम्मा से मैंने पूछा बिजली के बिल कम हो गए? हाँ बेटा बहुत अच्छा, बिजली के बिल अब बहुत कम हो गए। मैंने कहा पानी? बेटा पानी का बिल जीरो आता है आजकल। मैंने कहा स्कूल? कहती है स्कूल बहुत सुधर गया, बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी बन गई। मैंने कहा अस्पताल? कहती है मोहल्ला क्लिनिक खुल गया सामने। तो मैंने कहा अम्मा किसको वोट दोगे? कहती है सोचूंगी। मैंने कहा सोचना क्या है? कहती है गली में यह कूड़ा नहीं उठता। तो मैंने समझाया अम्मा यह कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो काउंसलर की है, बीजेपी वालों की है, एमसीडी वालों की है। तो अम्मा बोली अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, दिल्ली में आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता, ये दिल्ली में जितने मच्छर हो रहे हैं ये बीजेपी वालों ने कर दिए, ये जितनी गंदगी कूड़ा फैल रहा है, जितनी नालियां नहीं साफ हो रही, ये बीजेपी वालों की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। दो साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे पास रोज सवेरे 10 बजे मैं जनता से मिलता हूँ, रोज बहुत लोग आया करते थे, कहते थे जी हमारी गली साफ करा दो, कूड़ा उठवा दो। मैं वहीं से मेयर को फोन करता था, कमिश्नर को फोन करता था, भाई काम कर दो, सफाई करके नहीं दी इन्होंने। फिर मैंने तीनों मेयर बुलाए अपने पास, तीनों कमिश्नर बुलाए, मैंने कहा मेरी दिल्ली साफ कर दो, मेरे दिल्ली के लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। दो साल में बीजेपी वालों को, एमसीडी वालों को 15,000 करोड़ रुपए दिए मैंने भाई साहब, 15,000 करोड़। पहले साल में 7,500 करोड़ दिए, दूसरे साल में 7,500 करोड़ रुपए दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सड़कों पे 15,000 करोड़ की सफाई दिखाई देती है? सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। अब इस बार सारे मिलके झाड़ू पे वोट दे देना, आज आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा पूरी दिल्ली। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हाउस टैक्स माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा मैं हाउस टैक्स माफ करूंगा। ये बीजेपी कांग्रेस वाले बोले एमसीडी का दिवालिया निकल जाएगा, मैंने कहा एमसीडी का तो पता नहीं, तुम्हारा पहले दिवालिया निकल जाएगा, जो पैसा कमाया करते थे तो सारे खत्म हो जाएंगे। भाई साहब 2 साल पहले जब मैं आपके पास चुनाव में आता था, मैंने आपको कहा था दिल्ली में पानी मुफ्त करेंगे। ये बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पानी मुफ्त कर दिया तो जल बोर्ड का दिवाला निकल जाएगा। मैंने सरकार बनने के 1 महीने में पानी मुफ्त कर दिया दिल्ली में, और 1 साल के बाद जल बोर्ड का दिवाला नहीं निकला जी। 1 साल के बाद दिल्ली जल बोर्ड का 178 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। आपका पानी भी मुफ्त कर दिया, मुनाफा भी कर दिया, जादू हो गया। कैसे हुआ जादू? दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पैसे ही पैसे बचने लग गए, पैसे ही पैसे बचने लग गए। अब एमसीडी में आएंगे, नगर निगम में आएंगे, आपका हाउस टैक्स भी माफ करेंगे, 1 साल के अंदर नफे में प्रॉफिट में करके दिखा देंगे एमसीडी को, आप देख लेना। और अपने जितने सफाई कर्मचारी हैं, इनको बेचारों को तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे, हर 3rd महीने में इनको हड़ताल करनी पड़ती है, आपने देखा होगा जब ये बेचारे हड़ताल में जाते हैं, कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है चारों तरफ। मैं अब आपको कह रहा हूं, हर महीने की 7 तारीख को आपके बैंक अकाउंट के अंदर तनख्वाह पहुंच जाया करेगी, आपको हड़ताल करने की जरूरत नहीं अपनी तनख्वाह के लिए। और जितने सफाई कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाएगा, सबके एरियर दिलवाए जाएंगे। अब जी
दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में काम कराने में बहुत तंग करते हैं ये लोग, कुछ काम नहीं करते, सारे काम अड़ जाते हैं हमारे। आप लोगों से गुजारिश है, जैसे आपने 70 में से 67 सीट दिल्ली में दी थी, ऐसे ही अगर आप नगर निगम में सारी सीट दे दो तो दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों मिलके काम करेंगे, और मिलके काम करेंगे तो खूब तरक्की होगी जी दिल्ली की। अब ये शरद चौहान है, ये बेचारा लगा रहता है लेकिन नीचे एमसीडी वाले नहीं सुनते। अब अगर इसके नीचे के काउंसलर भी इसी के होंगे, एक ही पार्टी के होंगे, तो दोनों मिलके काम करेंगे, इनकी इसकी सुनेंगे, एमसीडी वाले भी सुनेंगे और दोनों मिलके काम करेंगे। तो इस बार सारे जने मिलके आम आदमी पार्टी के सारे काउंसलरों को जिताना। यहाँ पे 5 वार्ड है, हमारे 5 कैंडिडेट है। नरेला से कविता खत्री, बख्तावरपुर से श्री राम सिंह राणा, अलीपुर से मीनू खत्री, भलंबी खुर्द से ममता जी और बांकनेर से राम नारायण जी। इनको जम के वोट देना, एक एक वोट जो इनको जाएगा, एक एक वोट जो झाड़ू पे पड़ेगा वो सीधा मेरे पास आएगा। और आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, एमसीडी में जीतते ही हाउस टैक्स माफ करेंगे, एक साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे, एक साल के अंदर एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और एमसीडी को प्रॉफिट मिला के दिखा देंगे, ऐसी दिल्ली बनाएंगे। आपको गर्व होएगा अपनी दिल्ली के ऊपर। भारत।